नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली डेरी न्यूज। दोस्तों, विराट कोहली को कप्तानी से हटाने पर भड़का या दिग्गज खिलाड़ी, तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, विराट कोहली अब भारत के सीमित ओवरों की टीम के कप्तान नहीं है। T20 की कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय चयनकर्ताओं ने उन्हें वनडे की कप्तानी से भी हटा दिया है और वह सिर्फ टेस्ट टीम के कप्तान रह गए हैं। उनकी जगह रोहित शर्मा T20 और वनडे के कप्तान बना दिए गए हैं। BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने विराट को वनडे की कप्तानी से हटाने के फैसले को चयनकर्ताओं का सुझाव बताया था। साथ ही विराट को कटघरे में खड़ा किया, लेकिन विराट ने साउथ अफ्रीका दौरे से एक दिन पहले प्रेस वार्ता कर बताया कि उन्हें इस संबंध में अलग से कोई बातचीत नहीं हुई और टेस्ट टीम के चयन की चर्चा के बाद टीम की घोषणा से 1.5 घंटे पहले 5 चयनकर्ताओं ने फोन पर कप्तानी से हटाए जाने की जानकारी दी। विश्व कप पूर्व विजेता ऑलराउंडर और राष्ट्रीय चयनकर्ता रहे कीर्ति आजाद ने चयनकर्ताओं पर बड़ा हमला कर दिया है। दोस्तों, आजाद ने कहा कि चयनकर्ताओं को इस संबंध में पहले गांगुली को बताना चाहिए था और उनकी मंजूरी के बाद ही विराट को कॉल करनी चाहिए थी। पूर्व क्रिकेटर ने चयनकर्ताओं पर करारा हमला बोलते हुए कहा है कि कोहली ने भले ही चयनकर्ताओं द्वारा दी गई सूचना पर हामी भरी हो, लेकिन वह इस तरीके से पूरे दुखी हैं और उन्होंने कहा कि वह चयनकर्ताओं का अपमान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कोहली का क्रिकेट का अनुभव उनसे बहुत ही अधिक है। सभी चयनकर्ताओं के पूरे मैच के अनुभव को भी मिला दें तब भी वह विराट कोहली के अनुभव से कम ही होंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विराट कोहली को कप्तानी से हटाना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।